आज पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा नेता व समर्थकों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन सेवा सम्मान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में बिहार के अररिया में भी बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह एवं सिकटी नरपतगंज के बीजेपी विधायक के अलावा दर्जनों की संख्या में भाजपा समर्थकों ने शहर के बस स्टैंड के समीप अपने दफ्तर में 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सांसद प्रदीप सिंह ने अपने विधायक व समर्थकों के साथ मिलकर किया। इस अवसर पर प्रदीप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी से लोगों को रूबरू कराया जाएगा और अपने राजनीति जीवन की शुरुआत से प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा कर देश और विदेशों में नाम रोशन किया है एवं अब उनके नेतृत्व भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसके बाद सदर अस्पताल में बेसहारा मरीजों का हाल जानने पहुंचे, साथ ही शाम को ऐतिहासिक काली मंदिर 71 किलो लड्डू का भोग लगाया जाएगा, उनके लंबी उम्र की कामना की जाएगी। आज हम सब पूरे देशवासी और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और आज के दिन वह 71वें साल के हो गए। हम सब आज पूरा देश में, आज जिला मुख्यालय अररिया में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे जिला का कार्यकर्ता यहाँ पे उनका प्रदर्शनी लगवाया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बचपन से लेके अब तक उन्होंने जो काम किया है, जब वे पढ़ते थे स्कूल में तब क्या करते थे, जब अपने वो माता पिता के उनका जब माँ पिताजी चाय की दुकान जब कर रहे थे तब वह कैसे जवानों को चाय पिला रहे थे रेलवे स्टेशन में, यानी पूरे जीवन का कहानी उन्होंने जो किया है। और आज बिहार के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद 15 साल और आज देश के प्रधानमंत्री होने के 7 साल बाद उन्होंने जो देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया और आज पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं, हम सब आज गौरवान्वित है ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को पा करके कि आज पूरा भारत का नाम दुनिया में हो रहा है और इन्हीं के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आज पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज प्रदर्शनी लगाया गया है, यह 7 दिन तक यहाँ चलेगा। अभी हम लोग अस्पताल जाएंगे, वहाँ पर जो हमारे बीमार लोग होंगे अस्पताल में उनको फल फ्रूट ये सब बांटा जाएगा, कपड़े बांटे जाएंगे और फिर हम लोग आज विश्वकर्मा पूजा भी है। आज के दिन हम लोग बढ़ी को वो सब को हम लोग आज सम्मानित भी करेंगे और शाम 7 बजे अररिया के काली मंदिर में, क्योंकि वो 71 साल के हो गए, 71 किलो लड्डू आज उनके माता माँ काली के मंदिर में भोग लगेगा और 71 दिए जलाए जाएंगे और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे कि आप जिस तरह से इस देश का काम कर रहे हैं और आपको ईश्वर शक्ति दे और आप अपने नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के साथ आज देश आगे बढ़ रहा है, इसको और बढ़ाइए और आप इसको विश्व गुरु बनाइए और निश्चित विश्व